बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तासीर ऑनलाइन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मसीही मज़ाहिब के बारे में, जो कि दुनिया में तादाद के लिहाज से सबसे बड़ा मज़हब है, और उसके फ़िरकों के बारे में भी। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह उम्मते मुस्लिमा बहुत से फ़िरकों में तकसीम है, ठीक इसी तरह मसीही मज़हब में भी बहुत से फ़िरके मौजूद हैं। मगर माजी में ये ईसाई फ़िरके एक दूसरे से दस्तों गिरेबान रह चुके हैं, और उनके हाथ एक दूसरे के खून से रंगे हुए हैं, और तो और यहाँ तक के ये एक दूसरे को जहन्नुमी भी तसव्वुर करते हैं। तो नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको मसीही मज़ाहिब में मौजूद फ़िरकों के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि उनके क्या कायदे हैं, एक दूसरे से ये किस हद तक नफरत करते हैं। तो इन सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। नाज़रीन, ईसाइयों में सबसे पुराना फ़िरका रोमन कैथोलिक का है, जिसकी बुनियाद सेंट पीटर ने रखी थी। स्पेन, इटली और साउथ अमेरिका में एक बड़ी तादाद इस फिरके से ताल्लुक रखती है। इस फिरके का बानी सेंट पीटर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों में से एक था। इन्हें मसीही मजहब का पहला पोप भी माना जाता है। सेंट पीटर ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 25 वर्ष तक अपने मजहब की तबलीग की, मगर इन्हें शहनशाह नीरू के दौर में मजहबी बदमनी फैलाने के जुर्म में फांसी दे दी गई थी। 4वीं सदी ईस्वी में रोम के बादशाह ने ईसाइयत कबूल करने के बाद कैथोलिज्म को रोम का सबसे बड़ा मजहब करार दे दिया था, जिसके बाद सन 445 में कानून बन गया कि जो भी पोप मुंतखब होगा वो सारी जिंदगी के लिए कैथोलिक फिरके का सरबरा रहेगा, और ना सिर्फ ये बल्कि उसके इख्तियारात इस कदर होंगे कि वो अकायद में तब्दीली भी कर सकता है, और इसके फैसले को गलती से पाक समझा जाएगा। इसके बाद जो भी पोप मुंतखब होता अपने इख्तियारात का भरपूर फायदा उठाता, जिसकी वजह से 11वीं सदी ईस्वी में ईसाइयों का दूसरा बड़ा फिरका वजूद में आया, जिसका नाम मशरिक रासिकुल अकीदा कलीसा या फिर ऑर्थोडॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग कैथोलिक पोप को अपना सरबरा नहीं मानते, और ना ही इसके नाफिज करदा कवानीन को मानते हैं, बल्कि सिर्फ बाइबल में दर्ज अकायद को मानते हैं और तस्वीर ममनू समझते हैं। ये कैथोलिज्म के बाद दूसरा बड़ा ईसाई फिरका था, जिसके मानने वाले रूस, यूनान, बल्गारिया, सर्बिया और मशरिकी यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में फैले हुए हैं। इस फिरके के सरबरा को पैट्रिक के नाम से जाना जाता है। उस्मानी तुर्कों की कुस्तनतुनिया में फतह के बाद ये फिरका कई शाखों में तकसीम हो गया था, और आज दुनिया में तकरीबन 30 करोड़ लोग इस फिरके से वाबस्ता हैं। 16वीं सदी ईस्वी में एक नया और बड़ा फिरका वजूद में आया, जो कि प्रोटेस्टेंट या फिर इस्लाह कलीसा के नाम से जाना जाता है। जब कैथोलिक पॉप्स की बेजा इख्तियारात का इस्तेमाल किया गया और वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगे, और सलीबी जंगों में मसीहियों को जबरदस्ती भर्ती किया जाना शुरू हुआ, तो पोप अर्बन दोम ने ऐलान किया कि अगर कोई खुद जंग में नहीं जा सकता तो अपनी जगह किसी दूसरे को भेज दे, जिससे उसे माफीनामा दिया जाएगा। इस माफीनामे से निजात यकीनी है। बाद हजा पोप लियो दहम तक सूरत हाल ये हो गई कि गुनाहों के माफीनामे एजेंसियों में फरोख्त होने लगे। जिस शख्स का जी चाहता जना, कत्ल, चोरी, डाका, असमतदरी और कितने ही सगीरा और कबीरा गुनाहों का इर्तकाब करके अपने लिए मुआफ़ीनामा खरीद लेता। ना सिर्फ ये कि मर जाने वाले अजीजों के लिए भी मुआफ़ीनामे खरीदे और बेचे जाने लगे, जिसके बाद निजात यकीनी समझी जाने लगी। इस सूरतहाल से मसीही दुनिया में अखलाकी इन्हतात पैदा हो गया, जिसकी सरपरस्ती मसीही मजहबी उलमा कर रहे थे। कलीसा के मजालिम के खिलाफ कई लोगों ने आवाजें भी बुलंद की, जिनमें मार्टिन लूथर भी शामिल था, जिन्होंने उनके कैथोलिक फिरके की गलत अकायद में तब्दीली के खिलाफ तहरीक चलाई। मार्टिन लूथर एक जर्मन राहब थे। 31 अक्टूबर 1570 का दिन न सिर्फ मार्टिन लूथर बल्कि मसीहत की तारीख का अहम तरीन दिन है, जब मार्टिन लूथर ने उनके खिलाफ बगावत का ऐलान किया और इल्मी दलाइल की बुनियाद पर एक नए फिरके की बुनियाद रखी। मगर नाज़रीन, इस फिरके के मानने वाले लोगों को चुन चुन कर मार दिया गया, मगर फिर भी इसके मानने वालों की तादाद बढ़ती चली गई, और यूरोप का एक बड़ा हिस्सा इसके पैरोकारों में शामिल हो गया। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के दरमियान यूरोप में बहुत सी खूनी जंगें भी लड़ी गई हैं, जिनमें लाखों लोग भी मारे गए। आज प्रोटेस्टेंट ईसाई मजहब का दूसरा बड़ा फिरका माना जाता है, जिसके मानने वालों की तादाद 1 अरब से भी ज्यादा है, और दुनिया के हर हिस्से में ये लोग फैले हुए हैं। नाज़रीन, इन तीन बड़े फिरकों के अलावा ईसाइयत में और भी बहुत से फिरके मौजूद हैं, जिनके अकायद एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको इंतहाई पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।